सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे सवाल का जवाब जो बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा तलाक होगा या नहीं, हाथ की रेखाओं को देख के बताइए। तो आज हम देखेंगे अलग अलग हाथ की फोटोज और जानेंगे बनती है क्या पॉसिबिलिटी, और साथ ही साथ तलाक होने की वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखना है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे DMs आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। तो आइए जान लेते हैं वो रेखा कौन सी है जो तलाक के योग को बनाती है। पर उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है ये बनती कहाँ पर है और इसको देखा कैसे जाता है। देखिए दोस्तों, जो आपकी हार्ट लाइन होती है और यहाँ पर होती है जो आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा, इसके बीच का जो ये गैप है इसे 50 का मान के चलते हैं, और इसका जो हाफ होता है वो होता है दोस्तों 25 का, यहाँ पर कुछ इस प्रकार। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि ये तरीका क्या है। ये है तरीका दोस्तों आपकी शादी की उम्र जानने का और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ वो जानने का। तो आपका तलाक होगा या नहीं उसको जानने से पहले आपको इस तरीके को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, जो आपको हाफ बताया 25 का, अगर इससे पहले रेखा निकलती है कुछ इस प्रकार, मतलब जो आपकी हर्ट लाइन है और हाफ के बीच में अगर रेखा आती है, तो 25 साल की उम्र से पहले आपकी शादी होने के योग बनते हैं। पर अगर ये रेखा जैसे कि इस हाथ में है 25 की एज के बाद आ रही है, जैसे कि ये आपको नज़र आती है, तो यहाँ पर हमें 25 साल की उम्र के बाद शादी के योग नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है आपके हाथ में एक से ज़्यादा रेखा हो, 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी इतनी ही होंगी। और ये डाउट बहुत बार मैंने क्लियर किया है, हमारे पास सवाल भी बहुत बार आते हैं कि हमारे हाथ में इतनी सारी रेखाएं हैं तो क्या इतनी ही शादियां होंगी। जी नहीं, ये अफवाह है या पता नहीं आपको किसी ने बताया है, पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो सबसे लंबी वाली रेखा होगी, मान के चलिए आपके हाथ में एक लंबी रेखा है बाकी सब छोटी छोटी रेखाएं हैं, या फिर एक छोटी रेखा है एक लंबी रेखा है, तो आपको लंबी वाली रेखा देखनी है, छोटी वाली रेखा नहीं देखनी है। छोटी वाली रेखा आपके शादी में विलंब को दिखाती है, मतलब किसी प्रकार की बाधा आ जाना या प्रॉब्लम आ जाना, बट आपको लंबी वाली रेखा देखनी है। अगर वो हाफ से पहले है तो आपकी शादी पहले होगी, अगर बाद में है तो ऑब्वियसली बाद में होगी। इसके बाद अगर ये रेखा का झुकाव हार्ट लाइन की ओर है तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग रहते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, पर अगर इसका मुख ऊपर की ओर है, मतलब छोटी उंगली की ओर है, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट रहता है, या फिर ये कह लीजिए कि मन मुटाव बने रहते हैं, विचार भी आपके कम मिलते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो अब हमने ये तो जान लिया कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी वो आप कैसे देख सकते हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके पार्टनर के साथ वो आप कैसे देख सकते हैं, बट जो आज का टॉपिक है वो है दूसरी शादी का, या फिर एक से ज़्यादा शादी का, या फिर ये कह लीजिए कि तलाक का। तो उसको जानने के लिए भी आपको यही रेखा देखनी है, इसलिए आपको ये तरीका समझा रहे थे। तो देखनी कैसे है अब वो जान लीजिए। आपको जैसे कि एक डाउट तो क्लियर कर ही दिया है दोस्तों कि आपके हाथ में, आपको ये नहीं मानना है कि जितनी रेखाएं उतनी ही शादियां, ये गलत है। आपको देखना कैसे है वो तरीका, ये इस प्रकार, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, ये जो रेखा है जैसे कि इस हाथ में बनी हुई है दोस्तों, इसमें से एक ब्रांच निकल के जा रही है इस ओर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये रेखा है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो ज़्यादातर देखा गया है जिनके हाथ में इस प्रकार से योग बनता है रेखा का, तो ये आपके जीवन में तलाक को या फिर दूसरी शादी का योग दिखाती है। पर हम इस योग को इतना स्ट्रांग नहीं मान सकते हैं। स्ट्रांग कैसे बनता है इस वाली हाथ की फोटो में देखिए।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इस प्रकार हमें एक रेखा से दो रेखाएं डिवाइड होती हुई नज़र आती हैं, बट जो दूसरी रेखा है दोस्तों वो जा रही है सीधा इनकी लाइफ लाइन को क्रॉस करते हुए इनके शुक्र पर्वत की ओर, जो इनकी लाइफ लाइन के अंदर बनता है। और इस प्रकार से अगर रेखा हो तो ये आपके जीवन में तलाक को या फिर दूसरी शादी के योग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और ये बहुत कम लोगों के हाथ में होता है, और जिनके हाथ में होता है तो उनको बस एक ही बात बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली शादी को महत्ता देते हैं या फिर उसको संभालते हैं तो आपके जीवन में दूसरी शादी की नौबत आएगी ही नहीं। कहने का भाव ये है दोस्तों कि राई का पहाड़ ना बने, इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ अगर आपके मनमुटाव हुए हैं, किसी विचार पर आपके मतभेद हुए हैं, तो साथ बैठ के बात की जा सकती है और उस बात को संभाला जा सकता है। पर अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे, उस ग्रह क्लेश को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तो यहाँ पर तलाक होने की नौबत बन जाती है, और यही वजह है आजकल रिलेशनशिप कमज़ोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पहले बताया था दोस्तों, अगर रेखा का मुख छोटी उंगली की ओर हो, जैसे कि ये है, और ऊपर से ये रेखा जा रही है आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस करती हुई, तो दोस्तों ये होता है एक स्ट्रॉन्ग साइन आपके तलाक या फिर दूसरी शादी होने का। बट जैसे कि आपको पहले बताया, अगर आप उन बातों पे ध्यान दें जो आपको बताई, तो पहली शादी भी लॉन्ग टर्म बन सकती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज जो अलग अलग हाथ की फोटोज में बन रही है। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, बुध पर्वत पे जो रेखा है वो एक ही हमें नज़र आती है और बिल्कुल हाफ पे बनी हुई है, मतलब 25 साल की उम्र के लगभग इनकी शादी हो सकती है, एक दो साल ऊपर तो ये योग हमें नज़र आता है। और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप जानते होंगे कि आपको बताया था कि एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, हल्की सी नज़र आती है छोटी रेखा और दूसरी रेखा हमें लंबी नज़र आती है, तो हम इस वाली रेखा को देखेंगे शादी के लिए, और ये हाफ के बाद बन रही है, या फिर ये कह लीजिए कि छोटी उंगली की जो सबसे नीचे वाली रेखा है उसके नज़दीक है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 25 साल की उम्र के बाद, या फिर ये कह लीजिए कि 28 से 30 साल की उम्र के लगभग इनके शादी होने के योग हमें नज़र आते हैं। और इसी प्रकार से इस हाथ में भी है हार्ट लाइन, सबसे नीचे वाली रेखा छोटी उंगली की और छोटी रेखा बड़ी रेखा। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं दोस्तों कि इनकी 25 साल की उम्र के लगभग शादी होने के योग हैं, बट जैसे कि आपको बताया था दोस्तों, छोटी रेखा विलंब साबित होती है, इसलिए तो आपकी लेट शादी होती है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, या फिर आपके करियर में आपको अभी समय लगना है, आपको और समय चाहिए अपने करियर को बढ़ाने के लिए, या फिर आप शादी भी करना चाहते हैं पर किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, तो ये छोटी छोटी रेखाएँ इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा रेखाएँ हो, जितनी छोटी छोटी रेखाएं उतने ज़्यादा विलंब हमें नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में तलाक का योग या फिर दूसरी शादी का योग है या नहीं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। पर अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आने वाली फ्यूचर वीडियोस में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, क्या पता आपको नहीं उनको जरूरत हो इस वीडियो की तो वो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।